गुड मॉर्निंग बेटा, हम क्वेश्चन रीड कर रहे थे कि व्हाट डू यू मीन बाय कोल्ड वॉर, राइट डाउन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एमर्जेंस ऑफ द कोल्ड वॉर आफ्टर 1945। इसके एक फैक्टर हमने कर लिए कि अमेरिकन जो है, जो यूएसए है, वो किस तरह जो यूएसएसआर को, रशिया को ब्लेम कर रहा था कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है, इसी के कारण ही जो कोल्ड वॉर हुआ था, ये तो उसने अपना पक्ष रखा। अब सोवियत यूनियन जो है, वो यूएसएसआर अपना क्या पक्ष रखता है कि किसके कारण जो है कोल्ड वार हुआ। ठीक है, अब इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है इसका, सोवियत ग्रीवेंस अगेंस्ट द वेस्टर्न पावर्स और सोवियत कंप्लेंट्स अगेंस्ट द अमेरिकन ब्लॉक्स, कि सोवियत की क्या क्या शिकायतें हैं अमेरिकन के ब्लॉक के खिलाफ, कि वो अपने आप को जस्टिफाइड करने के लिए किस प्रकार अमेरिकन ब्लॉक को ब्लेम कर रहा है। फर्स्ट पॉइंट है इसका, मूव्स ऑफ द अमेरिकन ब्लॉक टू कंटेन द रोल ऑफ सोवियत यूनियन एंड इंटरनेशनल लेवल, कि अमेरिकन ब्लॉक जो है, कि जो अमेरिकन ब्लॉक है वो किस प्रकार सोवियत यूनियन की जो है रोल को सीमित करना चाहता है, वो किस प्रकार जो मूव्स चला रहा है, चाले प्रतिचाल, हम चाल प्रतिचाल ये फ्रेसेस है, ठीक है ना, चाल प्रतिचाल के कैसे वो ऐसे कॉन्स्पायरेसी कह लो या कुछ ऐसी क्लेवरनेस कह लो, वो ऐसे वो यूज़ कर रहा है। सोवियत यूनियन वाज डिससेटिस्फाइड एंड सस्पिशियस ऑफ द सो मैनी मूव्स एंड द पॉलिसीज ऑफ द वेस्टर्न पावर। सोवियत यूनियन वाज ऑफ द ओपिनियन दैट एवरी थिंग वाज बींग डन टू द आइसोलेट एंड लिमिट हर रोल एट द इंटरनेशनल लेवल। सोवियत यूनियन का कहना था कि मुझे ये, वो उसके साथ डिससेटिस्फाइड था, उसे ये शक भी था, शंका भी थी, सस्पिशियस भी था कि जो वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न पावर्स है, वो हर बात पर ये कोशिश कर रहा है कि सोवियत यूनियन को कैसे पूरी दुनिया से में उसे अलग थलग किया जाए, आइसोलेट किया जाए या लिमिट किया जाए उसे, वो मतलब सारी पावर्स जो जितने देश है उससे अलग हो जाए, इस तरह वो कमज़ोर हो जाएगा इंटरनेशनल लेवल पर, तो ऐसे वो मूव्स वगैरह चला रहा है कि वो सोवियत यूनियन जो है आइसोलेट या लिमिट हो जाए। इन द बिगिनिंग द वेस्टर्न पावर्स हैड ट्राई टू रेज अपोजिशन फ्रॉम द विदिन द सोवियत यूनियन अगेंस्ट द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन ऑफ द विच, पहले पहले तो उसने वेस्टर्न पावर्स ने ऐसे कोशिश की कि जो भी रशिया में क्रांति चल रही थी, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन चल रही थी, उसे दबाने की कोशिश की इसने, ठीक है। देन आफ्टर सोवियत लीडर हैड टेकन द सीरियस नोट आफ्टर दिस द वेस्टर्न पावर्स हैड अडॉप्ट द पॉलिसी टू अपियर हिटलर इन जर्मनी एंड द सोवियत यूनियन वाज ऑफ द ओपिनियन दैट ऑल दिस वाज द बीइंग डन टू पुट अप जर्मनी एंड इटली अगेंस्ट टू सोवियत यूनियन। फिर क्या गया, पहले तो उसने क्या किया कि जो वेस्टर्न पावर थी वो उसने पूरी कोशिश की कि जो रशिया की सोशलिस्टिक रेवोल्यूशन उसे दबाया जाए। देन आफ्टर उसने जो उसके दुश्मन देश थे जर्मन एंड जापान, ठीक है, उसको वो हेल्प कर रहा था, वो उसके चाहे जो एब्स्ट्रैक्ट पावर थी उसके दुश्मन देश थे, तो ये एलाइड पावर थे ना, यूएसए, फ्रांस, यूके, यूएसएसआर, तो चाहिए तो साथ ही ये मिलजुल कर काम करते, लेकिन क्या कर रहा था कि यूएसए, फ्रांस, यूके है इसको अलग 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 छोड़कर उल्टा इसकी हेल्प कर रहे थे, किस लिए, ता जो वो मल्पी वहाँ पर आपको पता फांसीवाद एंड नाजीवाद जो थी विचारधारा चल रही थी उसको प्रफुल्लित कर रहे थे, इसलिए ता जो उस वहाँ पर जो सामवादी विचारधारा कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वो जो फैल ना सके, ठीक है। इसके अलावा उसने कहा कि सोवियत यूनियन हैड एंटर इंटू द नॉन एग्रेशन सिक्योरिटी पैक्ट, के जो नॉन एग्रेशन सिक्योरिटी पैक्ट हुआ था, समझौता हुआ था, फॉर दिस रीजन, पिछले हमने पढ़ा है कि उसने, अमेरिकन ने, यूएसए ने ब्लेम किया है कि आपने क्यों उसके साथ समझौता कर लिया, तो यहाँ उसने क्लियर किया कि मुझे फॉर दिस रीजन उसके साथ सिक्योरिटी पैक्ट करना पड़ा, नॉन अग्रेशन सिक्योरिटी पैक्ट, कि मैं आप पर हमला नहीं करूँगा, ठीक है। दोबारा से सुनो कि पहले तो ये कि जो रेवोल्यूशंस है, सोशल रेवोल्यूशन, उसको इसने दबाने की कोशिश की, देन आफ्टर जो एक्सेस पावर है उसे बढ़ावा देने की कोशिश की इन्होंने, यूएसए ने, ठीक।
ठीक है। तो इसलिए सोवियत यूनियन कहता है कि मैं जो है नॉन एग्रेशन सिक्योरिटी पैक्ट में शामिल हुआ। बिसाइड दिस सोवियत यूनियन डिसीजन टू कीप इट्सल्फ, और तीसरा रीज़न ये बताता है कि मैं इसलिए अपने आप को मैंने अलग रखा। जब आप सेकंड वर्ल्ड वार में जा रहे थे ना, तो आप सभी ने शामिल हुए, तो मैं इसलिए यही कारण था कि मैं अपने आप को मैंने वहाँ युद्ध में शामिल नहीं किया। इट्स अलूफ, मैंने अलग रखा अपने आप को। बट वेन सोवियत यूनियन वॉज अटैक्ड बाय जर्मनी, बट जब जर्मन ने उल्टा सोवियत यूनियन पर हमला किया, ठीक है, देन सोवियत यूनियन फिर मजबूरी में आकर सोवियत यूनियन को एलियड पावर में शामिल होना पड़ा। थोड़ा ध्यान से सुनो कि सोवियत यूनियन ने ब्लेम कर रहा है कि जो यूएसए है वो जर्मन की, हिटलर की जो है, जापान की, उसकी हेल्प कर रहा था, तो वो जो यूएसएसआर था वो शामिल नहीं होना चाहता था सेकंड वर्ल्ड वार में। इसी के कारण उसने नॉन एग्रेशन सिक्योरिटी पैक्ट को अपना लिया कि मैं अपने आप को युद्ध से अलग रखूंगा। बट जर्मन ने उल्टा सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया। तो जब उसने उस पर हमला कर दिया कि मैंने तो कहा था कि मैं और हमला नहीं करूंगा, आपने उल्टा मुझ पर हमला क्यों किया, इसी के कारण मुझे जो था अलाइड पावर में शामिल होना पड़ा। नेक्स्ट है सोवियत अप्रिहेंशन ऑन द इंटेंशन ऑफ द पावर। सोवियत संघ का पश्चिमी शक्तियों की नीति पर शक। सोवियत अपियरेंशन ऑन द इंटेंशन ऑफ वेस्टर्न पावर। सोवियत को शुरू से ये शंका थी कि वेस्टर्न पावर की इंटेंशन कुछ और है, वो मुझे दुनिया की पावरफुल जो है दुनिया है स्टेज है वहाँ से अलूफ करना चाहता है, अलग करना चाहता है। इसमें उसने कई रीज़न बताए हैं इसके अंडर कई रीज़न बताए कि किस किस प्रकार उसने मुझे कोशिश की है कि मैं अलग भी एक कमजोर देश बन जाऊं, अलग रहूं। पहला उसने पॉइंट एक्सप्लेन किया है, डिले इन द ओपनिंग ऑफ द सेकंड फ्रंट अगेंस्ट जर्मनी। देखो यहां पर हमने कहा था कि जर्मनी ने सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया, इसलिए वे अलाइड पावर में शामिल हो गया। अब यहां पर वो ब्लेम कर रहा है कि जब मैं आप पर शामिल हो गया, अलाइड पावर में शामिल हो गया, तो क्या था जब जर्मन ने मेरे देश पर हमला किया, तो आपको उसी वक्त जो फ्रंट था वो खोलना चाहिए था, ठीक है ना। वेन द जर्मन फोर्सेस वर एडवांस विद द ग्रेट स्पीड इन टू द सोवियत यूनियन, द स्टालिन फेल्ट द सेकंड फ्रंट शुड बी ओपन अप अगेंस्ट जर्मनी। स्टालिन, आपको पता है स्टालिन कौन था, सोवियत यूनियन का राष्ट्रपति, और रूजवेल्ट यूएसए का राष्ट्रपति, चर्चिल ब्रिटिश का राष्ट्रपति, तीनों के नाम याद रखना, स्टालिन, रूजवेल्ट, चर्चिल। तो स्टालिन चाहता था कि जब जर्मन ने मेरे देश पर हमला किया, तो आपको उसी वक्त जो सेकंड मोर्चा था ना, सेकंड फ्रंट, वो उसी वक्त खोलना चाहिए था। लेकिन रूजवेल्ट और चर्चिल ने इस सेकंड फ्रंट को खोलने में बहुत देरी लगा दी, और खोलना भी किधर चाहिए था, आपको वेस्टर्न वहां पर खोलना चाहिए था, वेस्टर्न साइड पर खोलना चाहिए था जो द्वार था, तो आपने खोला कहाँ, सेंट्रल यूरोपियन पर। तो ये सब कुछ जानबूझकर आपने किया कि मेरी शक्ति कमजोर हो जाए, मुझे मैक्सिमम नुकसान उठाना पड़े, ठीक है। स्टालिन, रूजवेल्ट, चर्चिल, सेंट्रल यूरोपियन, वेस्टर्न साइड, ठीक है, जब जर्मन ने यूएसएसआर पर हमला किया। सेकंड वो आर्गुमेंट दे रहा है, सपोर्ट ऑफ द फासिस्ट इटली बाय द वेस्टर्न पावर। आपको पता है कि मैं आपकी शक्तियों में शामिल हो चुका हूँ, तो आप जानबूझकर जो फासीवाद है उसकी सपोर्ट कर रहे हो। आपको पता है जैसे डेमोक्रेसी आइडियोलॉजी है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, इसी तरह फासिस्ट भी एक आइडियोलॉजी है, विचारधारा है। थाउ द सेकेंड वर्ल्ड वार वाज द फॉट बाय द वेस्टर्न पावर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन द वर्ल्ड, जेट दे हैड सपोर्टेड फासिस्ट रेजिम ऑफ द इटली। कहते हैं कि जब आपने ये सेकंड वर्ल्ड वार इसलिए लड़ा था कि हम जो डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उसके वैल्यूज को, रूल रेगुलेशन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, फिर आपने इटली में जो फासिस्ट रेजिम चल रहा है उसको सपोर्ट क्यों की, क्योंकि ये तो बिल्कुल उल्ट है ना, डेमोक्रेसी के उल्ट है, तो आप क्यों कर रहे हो इसका। तो ये सीधा सीधा यही साबित हो रहा है, प्रूफ हो रहा है कि आप जो मेरी विचारधारा है, कम्युनिस्ट की विचारधारा को रोकने के लिए
आप फासिस्ट को बढ़ावा दे रहे हो कि आप तो लड़ रहे थे डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है ना, तो डेमोक्रेसी को खतरा किससे था? फासिस्ट से और नाजी से, हिटलर से, ठीक है ना, और मुसोलिनी से। तो आपने इसका बढ़ावा क्यों दिया? क्योंकि जो कम्युनिस्ट की विचारधारा इटली में आ रही थी, तो आपने ये चाहा कि मेरी विचारधारा ना वहां पर आए, मेरी सरकार वहां पर ना बने। फॉर दिस रीजन आपने मेरे दुश्मनों का साथ दिया। अकॉर्डिंग टू दैम इट स्टूड अगेंस्ट कम्युनिज्म एंड विल हेल्प दैम इन कंटेनिंग द एक्सपेंशन टेंडेंसी ऑफ द सोवियत यूनियन ड्यूरिंग द वॉर। द ईगरनेस शोन बाई यूएसए एंड यूके एंड फ्रांस टू डेवलप ए रिलेशनशिप विद इटाली हैड क्रिएटेड डाउट इन द माइंड ऑफ द सोवियत यूनियन। तो फॉर दिस रीजन जब आप शरियाम जो है इटाली की हेल्प कर रहे हो, तो नेचुरली उसे तो सस्पिशियस क्रिएट होगा ही ना कि आप जानबूझकर जो मेरे दुश्मन है, कम्युनिस्ट के एनिमी है, उनकी हेल्प कर रहे हो। तो कौन कौन कर रहा था? यूएसए, यूके एंड फ्रांस। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट जो है आर्गूमेंट दे रहा है, इन एडिक्वेट हेल्प टू द सोवियत यूनियन बाय द वेस्टर्न पावर ड्यूरिंग द सोवियत यूनियन हैज सफर्ड ए ग्रेट लॉस एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट हैड बिकम इकोनॉमिकली क्विट वीक। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तो उसे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। तो ये एक समझौता हुआ था कि जो वेस्टर्न पावर है ना उसे 4%, ठीक है ना, 4% वो उसे जो है मुआवजा देगी, बेनिफिशियल देगी, या कुछ भी उसकी हेल्प करेगी। लेकिन बाद में उसने वो जो बंद कर दिया और धीरे धीरे उसे ये सारा कुछ खत्म कर दिया। तो कारण क्या था कि मैक्सिमम जो सोवियत यूनियन को वीक बनाया जाए। पहले तो आपको ये था कि हाँ कि जो भी सेकंड वर्ल्ड वार हुआ या फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, आप बराबर का हिस्सा दो कि हम चारों ने युद्ध लड़ा है, चार मित्र जो देश है मिलकर युद्ध कर रहे हैं, तो चारों का हिस्सा इक्वल बंटवारा होना चाहिए था। लेकिन उसमें भी आप हमें 4% दे रहे हो, तो वो भी खत्म कर रहे हो। द रीजन क्या था कि आप जो मुझे कमजोर करने की कोशिश कर रहे हो। सडन टर्मिनेशन ऑफ लैंड लीज एग्रीमेंट, अचानक ही लैंड लीज जो एग्रीमेंट है उसको खत्म कर देना, टर्मिनेशन कर देना। लैंड लीज एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ये था कि हाँ जिस जो जो भी हमने देशों को हराया है उसका जो इक्वली रूप पर वो जो पैसा मिलेगा सभी को, जो भी कुछ है उसका देश का सब कुछ बराबर मिलेगा। लेकिन क्या हुआ जब ट्रूमैन राष्ट्रपति बना, उसने अचानक ही लैंड लीज एग्रीमेंट खत्म कर दिया। जब अमेरिका का ट्रूमैन रेजिडेंट प्रेसिडेंट बना, उसने लैंड लीज एग्रीमेंट खत्म कर दिया। तो ऐसे में उसे लग रहा था कि ये खत्म करना फ्यूल टू फायर, जैसे बल्टी में आग में तेल डालने का काम कर रहा है। एक तो पहले ही आप कम हमें जो है मुआवजा दे रहे हो, 4% दे रहे हो, और जो दे भी रहे थे वो भी आपने लैंड लीज एग्रीमेंट खत्म कर दिया ट्रूमैन ने। तो ऑलरेडी सोवियत यूनियन वाज डिसअपॉइंटेड विद द लिटिल एरिया व्हिच इट गॉट फ्रॉम द वेस्टर्न पावर। द सोवियत यूनियन हैड द वांट टू गेट ए बिग शेयर ऑफ द कंपेशन विच वॉज गॉट फ्रॉम द डिफीटेड नेशंस, बट जे भी इसको खत्म करके उसे लग रहा था कि जे मुझे कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट अगर प्रोपोगंडा अगेंस्ट द सोवियत यूनियन बाय द वेस्टर्न प्रेस एंड लीडर्स, कहता था सोवियत यूनियन वॉज एंड एली ऑफ द यूएसए एंड अदर वेस्टर्न कंट्री, चाहे वो यूएसए और जो दूसरी वेस्टर्न कंट्री उसका एक दोस्त था ड्यूरिंग द वार एंड वॉज गिविंग द टोटल सपोर्ट ड्यूरिंग द वार। जेट ऑफ वेस्टर्न प्रेस एंड आर लीडर कंटिन्यू ज्यादा नोशनस प्रोपोगंडा अगेंस्ट सोवियत लीडर एंड कम्युनिज्म, बट जब भी कभी प्रेस का टाइम मिलता या कुछ भी कोई स्टेज मिलती तो वो उसके खिलाफ, सोवियत यूनियन के खिलाफ, कह लो उसकी विचारधारा, कम्युनिज्म के विचारधारा के खिलाफ बिल्कुल पूरी तरह ही प्रोपोगंडा करते कि जो बिल्कुल ही जो विचारधारा है वो बिल्कुल गलत है, वो डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की विचारधारा है। वो बार बार क्या कहते थे, जे दिस पॉलिसी डिस्ट्रक्शन ऑफ द कम्युनिज्म, जे जो कम्युनिज्म की विचारधारा या पॉलिसी है वो एक तबाही की विचारधारा है, जे हमारे देश की वर्ल्ड पीस को, डेमोक्रेसी को, डेमोक्रेट की वैल्यू को, कैपिटलिज्म को ख़त्म कर देगी। इस तरह वो साइकोलॉजिकली तौर पर जो यूएसएसआर को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है अमेरिकन सीक्रेसी ओवर द न्यूक्लियर बॉम्ब, अमेरिकन हैड मेंटेन द कंप्लीट सीक्रेसी अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द न्यूक्लियर बॉम्ब कैपेबिलिटी। जब उसने जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था तो
यूएसएसआर को इस बात का रोष था कि जब हम मिलजुल कर ही आपस में सारे युद्ध कर रहे हैं, तो आपने जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया वो मेरे साथ आपने वो फार्मूला शेयर क्यों नहीं किया, जो आपने बताया क्यों नहीं। ठीक है, तो ये तब पता चला जब वहाँ पर जापान पर उसने हमला किया। पहली तो बात ये, इस चीज़ का उसे रोष था, ठीक है ना। और सेकेंडली, जो उसका फार्मूला था न्यूक्लियर का, वो यूके, कनाडा, जो वेस्टर्न कंट्री है उसके साथ वो शेयर करना करने के लिए वो कोई हेजिटेशन फील नहीं कर रहा था अमेरिका। लेकिन जब यूएसएसआर ने मांगा कि मेरे साथ भी ये फार्मूला शेयर किया जाए, तो उसने साफ शब्दों में इनकार कर दिया। फॉर दिस रीज़न भी उसे लग रहा था कि अमेरिकन जो है अपने आप को मोनोपोली सिद्ध करना चाहता है, ठीक है, इसलिए भी वो उसे थोड़ा सा और अग्रेसिव हो गया। वेस्टर्न पॉलिसी टू आइसोलेट सोवियत यूनियन एट द इंटरनेशनल लेवल लेवल वेस्टर्न पॉलिसी, जो भी वेस्टर्न पश्चिमी पॉलिसी ऐसी बनाई गई थी कि जो सोवियत यूनियन है उसे इंटरनेशनल लेवल पर बिल्कुल ही आइसोलेट कर दिया जाए। ठीक है, कहता है कि 1945 में क्या हुआ, वेस्टर्न पावर फॉलोड द पॉलिसी ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द विच वाज द आइसोलेट सोवियत यूनियन, ऐसी पॉलिसी को फॉलो कर रहे थे जिसके जिसका पूरा पूरा मकसद था कि सोवियत यूनियन को बिल्कुल पूरी दुनिया से अलग थलग किया जाए, आइसोलेट किया जाए। कहता है कि चर्चिल, आपको ये क्वेश्चन शॉर्ट भी आ जाता था कि फुलटन स्पीच क्या है। चाहे चर्चिल अब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा था, लेकिन जब उसने एक फुलटन स्पीच दिया था तो वहाँ पर उसने बहुत ही क्रिटिसाइज किया था सोवियत यूनियन की जो पॉलिसी है, उसे बहुत ही क्रिटिसाइज किया था। उसे आयरन कर्टन कहा था, एग्रेशन कहा था, एक्सपेंशन कहा था, ठीक है, उसकी जो सोवियत फॉरेन पॉलिसी है। और ये उसके जो वर्ड्स हैं पूरी दुनिया में फैल गए, प्रेस में फैल गए कि हाँ सचमुच ही जो कम्युनिज्म विचारधारा बहुत ही खराब विचारधारा है, जो सचमुच ही आज़ादी को डेमोक्रेसी को ख़त्म करने जा रही है। तो ये भी चीज़ जो है, जो फुलटन स्पीच है, वो भी उसे अच्छी नहीं लगी कि ये मेरे खिलाफ जो इतना प्रोपोगंडा क्यों हो रहा है। नेक्स्ट है ट्रूमैन डॉक्ट्रिन एंड इट्स इम्पैक्ट, ये आपने पीछे भी वीडियो में पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि मैनी स्कॉलर ये कहते हैं कि जो ट्रूमैन ने, ट्रूमैन कौन था, राष्ट्रपति था अमेरिका का, ठीक है, इसका इसने जो सिद्धांत लागू किए थे ना ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो भी कम्युनिज्म के अंडर, सोवियत यूएसएसआर के अंडर जो देश है वो आज़ाद होना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं उसको मिलिट्री तौर पर भी और फाइनेंशियल तौर पर भी हेल्प करूँगा। ट्रूमैन डॉक्ट्राइन, मैं पूरी तरह हेल्प करूँगा उसकी। तो इसके कारण क्या हुआ, जो हंगरी, बुल्गारिया या दूसरे देश वगैरह था यूएसएसआर के, वो उन्होंने बगावत कर दी, रिवॉल्ट कर दिया और आज़ाद होना शुरू कर दिया, और अमेरिका ने उसकी फुल फ्लैश हेल्प करनी शुरू कर दी। ये भी चीज़ उसे बहुत बुरी लगी कि आपने मेरे जो देश है, मेरे अंडर जो देश है उसकी हेल्प क्यों की, आपने क्यों उसे उकसाया कि मेरे अंडर जो देश निकल जाए। ये ट्रूमैन डॉक्ट्रिन के का भी उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव बड़ा। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ द मिलिट्री अलायंस विद द पर्पज ऑफ टू कंटेन सोवियत इन्फ्लुएंस इन द वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अमेरिका हैड फॉर्म्ड मिलिट्री अलायंस, जब उसने देखा कि सोवियत जो सोवियत की जो विचारधारा है, कम्युनिस्ट विचारधारा है, वो वेस्टर्न पार्ट में भी फैल रही है, तो उसने मिलिट्री अलायंस बनाना शुरू कर दिया। पहला अलायंस उसने बनाया नाटो, अप्रैल 4, 1949 में, ठीक है, और दूसरा उसने जो साउथ ईस्टर्न एशिया था वहाँ पर सीटो बनाया। तो इसी का जवाब देने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि ये जो वेस्टर्न कंट्री थी, जो दूसरी कंट्री थी, छोटी छोटी कंट्री थी, वो इसके हाथ में शामिल हो गई, तो इट मीन्स वो एक ग्रुप बन गया। तो इसी का जवाब देने के लिए फिर हार कर उसने जो सोवियत यूनियन है उसने वारसा पैक्ट को बनाना पड़ा। तो ये भी एक कहते हैं कि जो मिलिट्री अलायंस हैड फर्दर बूस्टर्ड द स्पीड ऑफ कोल्ड वार, एक कोल्ड वार को बढ़ावा देने की कोशिश थी, बूस्टअप था अमेरिकन एफर्ट्स टू कंटेन द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द कम्युनिज्म। अमेरिका का जो भी साम्यवाद के प्रभाव को रोकने की कोशिश हो करना,
द सक्सेस ऑफ द फर्स्ट कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन 1917 द रशिया हैड अफेक्टेड द लेबर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। जब रशियन में जो 1917 की रेवोल्यूशन हुई थी, क्रांति हुई थी, तो इसके कारण क्या हुआ था कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ पर भी मजदूर थे, लेबर्स थे, उस पर ये प्रभाव पड़ा कि सचमुच में ही जो हमारी जो गरीबी है, हमारी जो बैड कंडीशन है, उसका कारण क्या है, ये लिबरलिज्म है, ये कैपिटलिस्ट है, इसके कारण है, ठीक है, ये डेमोक्रेसी बिल्कुल सही नहीं है, तो हमें आज़ाद होना चाहिए और कम्युनिस्ट आवाज़ जो है विचारधारा अपनानी चाहिए। तो वेस्टर्न कल्चर में भी इसका असर पड़ा, तो इसका असर को कम करने के लिए, ठीक है, तो उन्होंने एक कसम उठाई कि हम जो इसको इसे कम्युनिज्म को ख़त्म कर देंगे या कम कर देंगे। सो अमेरिका हैड टेकन ए वॉ, उसने कसम उठाई टू सप्रेस द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी एंड कम्युनिस्ट मूवमेंट एंड मैनी अरेंजमेंट वर मेड टू मीट दिस एंड कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हैड द क्रिएटेड अ फियर अमंग द कैपिटलिस्ट कंट्री। तो क्योंकि कम्युनिस्ट जी को की विचारधारा वो कैपिटलिस्ट की कंट्रीज को पूंजीवादी देशों के बीच में एक उसने डर क्रिएट कर दिया था, इसी भी कारण कोल्ड वार और तेजी से चलता गया। Because of the reason written above, the Soviet Union had completely got disillusioned with the Western nations and with their policy. कहते इसी के कारण जो भी हमने 9-10 कारण पढ़े हैं, पश्चिमी राष्ट्र और उनके द्वारा जो नीतियां से निराश हो गए थे, ठीक है, ही वॉज फर्मली कन्विंस्ड दैट द वेस्टर्न नेशंस वर द डिटरमाइंड टू आइसोलेट हिम। तो उन्होंने पूरी तरह ये मन में धारण ये कर लिया था कि मन में मेक ऑफ माइंड कर लिया था कि हम इंटरनेशनल लेवल पर जो सोवियत यूनियन है, जो SSR को बिल्कुल ही आइसोलेट कर दें, अलूफ कर दें, ठीक है, तो देयर फॉर ही शुड मेक अरेंजमेंट फॉर द हिज प्रोटेक्शन एंड ही प्रोटेक्शन ऑफ द सोशलिज्म। इट हैड कम्प्लीटली आइसोलेटेड इटसेल्फ फ्रॉम द वेस्टर्न नेशंस एंड डिसाइड टू फॉर्म द अराउंड इटसेल्फ रिंग ऑफ द कम्युनिस्ट स्टेट्स ऑफ द ईस्टर्न यूरोप इन विच इट हैड मेट विद द कंसिडरेबल सक्सेस। आई होप ये आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। थैंक्स बेटा।